दोस्तों, बहुत सालों से आप मेरे टैली के वीडियो देख रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप 5 मिनट में टैली में एक्सपर्ट बन सकते हो। देखो, यदि आपको अच्छी अकाउंट्स की नॉलेज है तो टैली सॉफ्टवेयर पे काम करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। जस्ट कुछ बातों का आपको दिमाग में ध्यान रखना होगा। अगर वो बातें आपको ध्यान में हैं तो आपको समझिए आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हो। जस्ट 5 मिनट का समय लगेगा। आपने टैली को खोला, खोलिए टैली में। मान लीजिए आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? मान लो कि उसमें आपको दो ही बातों का मेन ध्यान रखना है कि अकाउंट इन्फो में लेजर क्रिएट होते हैं, जितने भी लेजर होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, अलग अलग लेजर क्रिएट हो जाते हैं, और अकाउंट टिंग वोचर में वोचर एंट्री हो जाती है, कॉन्ट्रा, शिप, जर्नल सेल, परचेज। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि लेजर में, देखो लेजर क्रिएशन इसलिए बना हुआ है कि 4 तरह के मेन आइटम्स हैं इन अकाउंटिंग। फर्स्ट इनकम, सेकंड एक्सपेंसेस, थर्ड एसेट एंड फोर्थ लाइबिलिटी। अब इनकम और एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं। इनकम तो सभी इनकम्स हैं, और जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये उसके अंडर में आ जाएगा। ठीक, और ऐसे ही एसेट है, फिक्स एसेट और करंट एसेट हो सकती है। एक एक हम क्रिएट करते जाते हैं। जैसे हमने लाइटिंग एक्सपेंसेस लगा दिया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर दिया हमने। ऐसे ही हमने इनकम, रेंट इनकम डाल दिया, इनडायरेक्ट इनकम है ये हमारी, हमने डाल दिया फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर अगर नहीं क्रिएट किया हुआ था हो जाएगा फर्नीचर। माई फिक्स एसेट है, ऐसे हमने लाइबिलिटी रख दी है, SBI लोन लाइबिलिटी, लोन इसमें चले गए हम। तो इस हिसाब से हमने एक लिस्ट तैयार करी है जिसके ऊपर हमने काम करना है। मान लो कि खर्चे हैं, एक फर्म छोटी है तो खर्चे बहुत ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? कम होंगे। एक बहुत बड़ी फर्म है उसके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, एक बहुत MNC कंपनी है उसके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। होंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर? मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है उसमें एसेट्स भी बहुत ज्यादा होंगी। जस्ट किसी भी MNC की आप बैलेंस शीट देखिए, उसमें लाखों ही एसेट्स होती हैं। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। एक सिंपल सी मिसाल है कि एक कंपनी है उसके 40 लाख कस्टमर हैं, तो करंट एसेट्स 40 लाख, सन्ड्री डेटर्स अंडर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो है, हम जितने भी नाम दे सकते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर जेड के बीच में कितने ही नाम हो सकते हैं, वो अंडर सन्ड्री डेटर्स रख सकते हैं। ऐसे ही हमने माल खरीदा, वो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स रख सकते हैं। सेल और परचेज का मेन काम होता है, तो वोचर एंट्री ये चलती जाएंगी जितने भी हैं। अब इसको देख लेते हैं, कॉन्ट्रा में है, बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा आया, वो डाल सकते हैं। ठीक,
मैंने कैश लिखा, उसका डेबिट बैलेंस पड़ा था SBI, कैश लिखा, अभी नहीं क्रिएट किया मैंने, कुछ इसके ऊपर क्रिएट कर सकता हूँ। पहले लेजर क्रिएशन होगी, SBI का नाम आएगा तभी हम इसके कॉन्टैक्ट करेंगे या निकालेंगे या जमा करेंगे। ऐसे ही हम पेमेंट होती है किसी भी खर्चे की, चाहे वो इनडायरेक्ट है चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इवन हमने कोई चीजें फिक्स एसेट खरीदी है, पेमेंट की, ऐसी रिसीप्ट है, इनकम की हो सकती है, और कोई भी पैसा किसी भी कस्टमर से हम प्राप्त कर सकते हैं, वो रिसीप्ट है, वो डाल सकते हैं। करंट एसेट से भी रिसीप्ट हो सकती है। जर्नल में जो इसमें नहीं है वो इसमें डालेंगे। परचेज और सेल क्रेडिट, परचेज और क्रेडिट सेल की एंट्री होगी, और हर एक एंट्री करने के बाद एक बार उसका इफेक्ट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसकी बैलेंस शीट के ऊपर देखना है कि डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार चल रही है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर कोई मिस्टेक हुई है कोई टेंशन नहीं, नहीं अपनी डे बुक में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, अमाउंट में चेंज, वो जो एंट्री गलत पड़ गई वो चेंज कर सकते हो। जैसे हमने कोई देख ली, हमने ये 2000 का नहीं लिखना था, 4000 के लिखना था, तो लिख सकते हो आप, उस हिसाब से एंट्री पास होती जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप एंट्री पास कर सकते हो। तो सिंपली है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ये तीन चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप 5 मिनट में बहुत ज्यादा सीख गए होंगे। अब स्टेप बाय स्टेप जो पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उसको देखिए आप और डीपली इसको।